अपील है इस पे 13(6) अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की ये फाइल किया है अपील आंड ने। माय लॉर्ड आई एम सीकिंग वन वीक टाइम टू फाइल रिप्लाई अगेंस्ट सच एन एप्लीकेशन माय लॉर्ड 13(6) ऑफ एमपी अकोमोडेशन। ये सर ये जल्दी एडमिट करा लेते हो जी। लैंडलॉर्ड की अपील है, टेनेंट की है? लैंडलॉर्ड रिवर्सिंग फाइंडिंग पर है। लैंडलॉर्ड की है? यस। 13(6) आपने लगाई है? यस। जमा करना चाह रहे हैं, मनी ऑर्डर के थ्रू भेजते हैं, ये लेते ही नहीं है माय लॉर्ड। आप तो हाई कोर्ट में अपील हो गई ना, आप तो निचली अदालत में जमा कर दो। नहीं तो माय लॉर्ड हमको इसी का रिप्लाई देना, हमको डेमोन्स्ट्रेट करना है माय लॉर्ड कि हम 13(6) के पहले किराया तो जमा कर दो। वो हम कर ये खुद ही नहीं रिसीव कर रहे हैं वहाँ किराया माय लॉर्ड। हाँ कर रहे हैं कहीं एटीओ क्या? मैं इसलिए रिप्लाई फाइल कर रहा हूँ। सुन तो लो, इसका तरीका, जैसे आपको नोटिस मिला ना, जी सर, नोटिस मिला तो ट्रायल कोर्ट में जाते और किराया जमा करते। जी सर। तो आपको सब मालूम है, उनको नहीं मालूम, इसलिए तो बता। हाँ सर, मैं आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट। कोई बात नहीं। यस मैम। इनका नोटिस मिला, उस नोटिस की कॉपी लगा के एक आवेदन लगाओ ट्रायल कोर्ट में जमा करने का। जी साहब, इतना आज तक का बकाया किराया ये ले लीजिए। जी। वो नहीं ले, वो मना करेंगे ट्रायल कोर्ट, मान लो उसकी कॉपी है, लगा दीजिएगा। यस मैम। तो 13(6) खारिज हो जाएगी इनकी, नहीं तो फिर 13(6) अलाउ करना पड़ेगा। यस मैम। Renate counsel for the respondent prays for and is granted 15 days time 15 days, my Lord, yes. to file reply of pending application under section 13 within bracket 6 of the MP accommodation control act placed after 15 days. Yes. Nitin Shukla for respondent number 1. 13(6) wala jis din decide ho us din koi kiraya bakaya nahi rehna chahiye. Whether bakaya kiraya inhone siddh kiya hai, so aapka defense gaya. Yes.